Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla, chapter number 4 from Honeysuckle book. So before you read, in 1997 an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. तो 1997 में एन इंडियन क्योंकि वो उन कल्पना चावला का बर्थ जो है इंडिया में हुआ था. सो वो इंडियन और अमेरिकन क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पेस की जो स्टडी की थी तो वहाँ अमेरिका से की थी, और इसलिए उन्होंने वहाँ नेचुरलाइज्ड किया, इट मींस ग्रीन कार्ड वहाँ का मिल गया था इन्हें. तो वो अब इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला उन्हें कहा जाता है. सॉरी, वो वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू. वो भी एक इंटरनेशनल क्रू का एक पार्ट बनी, और स्पेस शटल जो कि कोलंबिया जिसका नेम था, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस. और वो फर्स्ट वुमेन बनी इंडिया की जो कि स्पेस में गई. सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी. और सैडली मीन्स दुखी से कहा जाता है, दुखी रिदेश कहा जाता है कि जो उनका सेकेंड मिशन था कोलंबिया का, वो एक ट्रेजेडी में एंड हो गया. So this is the news report, and after this Kalpana Chawla said that she never dreamt as a child in Karnal that she would cross the frontier of space. Kalpana Chawla ne kaha ki unhone kabhi apne sapne mein bhi nahi socha tha ki Karnal jaise chote se shehar mein unka birth hua, to chote se shehar mein rehne wali ladki ki main space ko cross kar sakti hu, space tak ja sakti hu, to unhone kabhi bhi is cheez ke bare mein dream nahi liya tha. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore school. Graduated की schooling करने के बाद Tagore school से उनकी schooling हुई. Tagore school से अपनी graduate करने के बाद उन्होंने engineering college में attend किया. तो ये कल्पना चावला कहती है कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मेरे parents ने engineering college में जाने के लिए मुझे allow कर दिया. Allow means permission देना. After a bachelor of science degree in aeronautical engineering against great opposition from her father, she went to a master degree to the United States of America. तो साइंस की डिग्री aeronautical engineering का मीनिंग होता है जो अंतरिक्ष से संबंधित रिलेटेड जो स्टडी है उनकी. उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस जब BSc की डिग्री अपनी ले ली साइंस में, तो उसके बाद उनके फादर ने बहुत अपोज्ड किए, फादर अगेंस्ट थे, पर फिर भी वो अपनी मास्टर डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मीन्स USA गई. शी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. और उसके बाद उन्होंने अपनी PhD की डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ली, मीन्स अपनी इंजीनियरिंग उन्होंने अंतरिक्ष से रिलेटेड उसकी सारी नॉलेज गेन करने के लिए उन्होंने उसके बाद PhD ली मास्टर डिग्री. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पार्ट एट केप कार्निवल फ्लोरिडा. सो अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला पहली महिला थी जो केप कार्निवल फ्लोरिडा से स्पेस पे गई एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. और उन सक्सेसफुल मिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मीन्स वो गई. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड मीन्स खुश होना, बहुत खुश हुए थे, अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलम्बिया लिफ्ट ऑफ. और उनकी फैमिली पूरी और पूरी इंडिया ने, मतलब जो वो वापस आ रही थी अपने स्पेस से तो पार्टिसिपेट करने के बाद अपने मिशन से जब वापस आते, तो सब बहुत खुश हुए थे. उनकी फैमिली वाले ने उन्हें चीयर अप किया था कैनेडी स्पेस सेंटर से जब वो वापस आ रहे थे. Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen married to flight instructor Jean Perry Harrison. Kalpana jo Karnal mein unka janm hua tha Haryana mein, aur but unhe green card mil gaya tha US ka, United State of America ka citizen, aur unhone marriage ki flight instructor Jean Perry Harrison se. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi engine लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लीडर्स. और एक एस्ट्रोनॉट होने के बाद उन्हें सिंगल और मल्टी इंजन चलाने का और एयरप्लेन्स चलाने का लाइसेंस भी मिला, और सिंगल इंजन सी प्लेन्स यानी जो सी में चलते हैं,
एंड ग्लीडर्स और एयर मल्टी और सिंगल इंजन चलाने का भी सारा उन्हें मौका मिला, चांस मिला। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और उन्होंने उन्हें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी सर्टिफिकेट मिला कि वो फ्लाइट में जाकर उनको इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं लोगों को, इसका भी सर्टिफिकेट उन्हें मिल गया। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। और पायलट में जब उनका क्वालिफाइड वो हो गए थे उसके बाद कल्पना चावला ने एक अनदर चैलेंज लिया कि अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अप्लाई किया। तो शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। तो नासा में वो सबसे मतलब उन्हें रिसर्च साइंटिस्ट के लिए हायर्ड किया गया, उन्हें चूज कर लिया गया, सिलेक्ट कर लिया गया। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनेट। और 1994 में उन्हें सिलेक्ट किया गया नासा की ट्रेनिंग के लिए कि अंतरिक्ष में जाने की उड़ान भरने के लिए नासा की ट्रेनिंग के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड शी रिप्लाइड आई रियली नेवर एवर थॉट व्हाइल परस्यूइंग माय स्टडी और डूइंग एवरीथिंग एल्स। जब उनसे पूछा गया कि एक वुमेन होने के बावजूद जब आपने इतनी अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है तो आपको कैसा फील होता है, तो उन्होंने रिप्लाई किया आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा व्हाइल परस्यूइंग माय स्टडीज, जब मैं अपनी स्टडी को जब मैंने अपनी स्टडी को परस्यूइंग यानी कंटिन्यू किया तब मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ कि मैं और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वोमेन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, या मैं एक औरत हूँ या फिर एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि एक स्मॉल सिटी से है और अ डिफरेंट कंट्री या फिर एक डिफरेंट कंट्री से है। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। तो औरों की तरह मेरे भी कुछ सपने थे और मैंने उसका फॉलो यानी उनके लिए मेहनत की, हार्डवर्क किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी और जो लोग मेरे अराउंड में मेरे आस पास थे फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। फॉर्चुनेटली मीन सौभाग्य से, यानी बहुत अच्छी बात थी कि जो लोग मेरे आसपास थे उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया, उत्साहित किया और हमेशा यही कहा कि यही है जो तुम करो, वो करो जो तुम करते करना चाहते हो, कैरी ऑन, लगे रहो। सो